हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक हाउस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इजी और हेल्दी मखाना चाट की रेसिपी, जो वेट लॉस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप मेरे कहने पे प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में मखाना डाल के रोस्ट करेंगे। तो मखाने को रोस्ट करने के लिए हमें बटर या घी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है, इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेना है। और रोस्ट करने में लगभग 10 मिनट तक लग जाएंगे इसको। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। और निकाल लेने के बाद हम सेम कढ़ाई में एक टेबल स्पून के करीब घी या बटर कुछ भी ऐड कर देंगे। घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर आधा टीस्पून, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर इसके बाद हम इसमें मखाना डाल देंगे, और मखाना को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि पूरे मखाने पे मसाले की कोटिंग अच्छे से हो ना जाए। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, सिर्फ मसाले में अच्छे से कोट करके, या फिर चाहें तो इसको और थोड़ा सा हेल्दी बनाना हो तो आप ये वाला भी तरीका ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक मिक्सिंग बोल में आधा बारीक कटा हुआ प्याज और आधा ही बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया और थोड़ा सा काला नमक। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे। आप काला नमक की जगह चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम अपना रोस्ट किया हुआ मखाना उसको ऐड कर देंगे, और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम भुनी हुई मूंगफली ऐड कर देंगे, और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें हल्का सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और आप प्याज और टमाटर की क्वांटिटी अपने हिसाब से घटा या बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारा एकदम इजी और हेल्दी सा चाट बन के तैयार है। तो आप इसी तरीके से होल में इंजॉय करना शुरू कर दीजिए। मुझे तो थंबनेल के लिए फ़ोटो क्लिक करनी थी, तो मैंने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, और बस इन्जॉय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।